हेलो गाइस, आज हम लोग सब्जी बनाने जा रहे हैं, सजवन की सब्जी। तो आप देख सकते हैं कि सजवन को हमने अच्छे से छील कर छोटे छोटे प्याज के ऑनियन चॉप्स करके एंड देन टमाटो और आलू को हमने कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये मसाला, इस मसाला में हमने क्या डाला है। तो बेसिकली थोड़ा सा सरसों और साबुत जीरा, साबुत धनिया एंड थोड़ा सा काली मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा प्याज डाल के हमने पीस लिया है मिक्सी में। और अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हम फ्राई करेंगे आलू एंड सजवन को, और फिर फ्राई करने के बाद ये सारे मसालों को डाल के हम भुनेंगे। आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में, लेट्स ट्यून इट। पहले हम सजवन को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। उसके बाद हम पोटैटो फ्राई करेंगे। अभी फ्राई हो रहा है हमारा सजवन, तो आप देख रहे हैं हमने पोटैटो भी डाल दिया है। पोटैटो भी हल्का सा फ्राई हो रहा है। इसको भी पूरा डीप फ्राई नहीं करना है, काफी सॉटे करना है इसको। और फिर इसके बाद हमने ऑनियन को फ्राई करना है और फिर मसाला डाल के भूनना है। तो आप देख रहे हैं हम बहुत ही लो फ्लेम पे हमें ये सब डालना है। रेड चिली हो गया, दालचीनी हो गया, बड़ी इलायची, लौंग एंड छोटी इलायची। हम देख रहे हैं ऑनियन हल्का सा कलर आने लगा है ऑनियन का। और इसमें हम 2 मिनट बाद मसाले डाल रहे हैं। सारा मसाला डाल दिया है अब इसमें, और इसको क्योंकि इसमें बहुत सारे कच्चे मसाला थे लाइक धनिया था एंड सरसों था, इसलिए इसको अच्छे से पकाएंगे। और आप देख रहे हैं कि कलर आना शुरू हो गया है, रेडिश कलर। और थोड़ा देर पकने के बाद ये पानी सॉरी तेल छोड़ना शुरू कर देगा साइड से, इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा पूरा भुन गया है। बीच बीच में हर 3-4 मिनट में एक बार चलाते रहिए जिससे कि नीचे नहीं पकड़े मसाला। अब देख सकते हैं हमारा पूरा ग्रेवी पक गया है, मसाले सारे भुन गए हैं। तो अब हम इसमें अब ये पोटैटो एंड सजवन जो फ्राई किए थे वो डालेंगे। हाँ, टमाटो भी हमने रो टमाटो नहीं डाला है, वो लास्ट में डालना है। तो टमाटो पक के और टेस्ट उतना अच्छा नहीं देता है, हमने टमाटो पीसा है इसमें मसाले के साथ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से पूरा मसाला भुन गया है, सारा अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है सजवन में पोटैटो को और नमक इतने स्वाद अनुसार डाल दिया है। और 5 मिनट भुनने के बाद इसमें फिर पानी डाल के और थोड़ा और पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बहुत सारे लोग और रोटी के साथ खाना है तो ऐसे ही आप फ्राइड पोटैटो एंड सजवन के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। बट अगर आपको राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा वाटर डालना पड़ेगा, ग्रेवी बनानी पड़ेगी। तो हम तो क्या करते हैं कि दोनों फ्लेवर ट्राई करते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमने निकाल के रख लिया है, फ्राइड पोटैटो एंड सजवन खाएंगे राइस के साथ एंड फिर इसमें थोड़ी सी वाटर मिला के और इसमें टमाटो डालेंगे एंड देन फिर 5-10 मिनट्स पका कर फिर उतार देंगे। आपको आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट पार्ट एज वेल। और हम थोड़ा सा वाटर डाल जा रहे हैं ऐड करने इन दैट। आप देख रहे हैं सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। हमने थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ता एंड मेथी पत्ता ऊपर से डाल दिया है और हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, क्योंकि सब्जी सजवन एंड आलू पूरी तरह से सीज गई है। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। अभी थोड़ी सी उबाल आ गई है और अब जाके इसको बंद करने वाले हम लोग गैस से। थैंक यू सो मच।